नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। और इस वक्त रात के तकरीबन 12:45 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। चूंकि एक ब्रेकिंग न्यूज है तो देना बहुत जरूरी है और अभी मैं प्रयागराज की तरफ रुक कर चुका हूँ, प्रयागराज जा रहा हूँ सुबह। कल 12 मार्च है और कल देश के PM प्रयागराज सहित तकरीबन 10 वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरे देश में एक साथ हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बहरहाल उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए और वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी करने के लिए आपको दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, मगर उसके पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, माला फॉरेस्ट को लेकर, पीलीभीत शाहगढ़ रेल प्रखंड को लेकर। जी हाँ, लंबे समय से जिस समय का इंतजार हम और आप कर रहे थे CRS इंस्पेक्शन यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंस्पेक्शन का, फाइनली अगर हम बात करें तो उसकी जो तारीख है वो कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है। मेरे हाथ में ये ऑर्डर भी है और इस ऑर्डर किस चीज का ऑर्डर वही बताते हैं आपको आगे चलते हुए इस वीडियो में। बात करें तो जैसा कि आपको पता है, लंबे समय से इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो इस रेल प्रखंड पर चल रहा है, मैं दूसरी ओर माला का जो ब्रिज है दोस्तों वहां पर ट्रैक नहीं सेट हो पाया था। आज 11 मार्च 2024 ऐतिहासिक तारीख भी रही है जब फाइनली ट्रैक जो है वो माला जंगल के ब्रिज पर सेट कर दिया गया, पूरा लाइन कनेक्ट हो गई। और अगर हम ये कहें कि आप पीलीभीत से शाहगढ़ होते हुए लखनऊ का ये जो नया रेल प्रखंड है यानी कि शाहगढ़ पीलीभीत, ये अब लखनऊ सूबे की राजधानी लखनऊ के लिए तैयार है, गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द इसका CRS इंस्पेक्शन होने वाला है। हालांकि ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं है, मगर सूत्रों के हवाले से माने तो आने वाली 29 मार्च 2024 तारीख हो सकती है CRS इंस्पेक्शन की, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अभी हालांकि लगभग 15 दिनों का समय जरूर है CRS इंस्पेक्शन में, क्योंकि काफी सारी चीजें छुटपुर जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें बची हैं। स्टाफ की नियुक्ति जो है वो अब शाहगढ़ से लेकर पीलीभीत की तरफ जो स्टेशन है वहां पर शुरू कर दी गई है। बात करें मेरे पास जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा था, इस ऑर्डर की अगर हम देखें तो यहाँ पर शाहगढ़ से माला रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक जी की जो नियुक्ति है वो कर दी गई है इस ऑर्डर में। उनका नाम और कहाँ से उन्हें ट्रांसफर किया गया है माला के लिए वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। बात आगे करते हुए बताते चले, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की तस्वीरें आप देखते हुए बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में कि जिस तरह से हाल ही में लगातार KPTL जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही थी, दो टीम्स KPTL के लगी हुई थी लगातार इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, और माला जंगल के अंदर का नजारा आप जो देख पा रहे होंगे विजुअल्स में इस दौरान, हालांकि 3-4 दिन पहले की तस्वीर कुछ इसी प्रकार थी, मगर 3-4 दिन पहले मैं आपको बता दूं दिल्ली में, नई दिल्ली में भारत मंडपम नई दिल्ली जहां G20 की समिट भी हुई थी, वहां पर इंडियन क्रिएटर्स नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खुद उनकी मौजूदगी में किया गया था, जहां पर हमें इन्वाइट किया गया था और हम वहां पर मौजूद थे। इसके चलते उन 3-4 दिनों में मैं अपडेट नहीं दे पाया आपको, मगर उसकी तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाएंगे अगली आने वाली तस्वीरों में, आने वाली वीडियोस में। मगर फिलहाल इस वीडियो में क्या हम बात करें तो दोस्तों, अब 29 मार्च को CRS होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, होली के बाद ठीक बाद CRS हो सकता है। वही दूसरी अगर हम बात करते हैं ट्रेन संचालन को लेकर, तो अब बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब आप शाहगढ़ से पीलीभीत तक का सफर जो है वो कर पाएंगे ट्रेनों के जरिए। हालांकि बात करें तो उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं अप्रैल के पहले हफ्ते या पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते के बीच में जो ट्रेन संचालन है वो शुरू हो सकता है। बहरहाल शूट करते करते रात के लगभग 12:50 होने वाले हैं और जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे कल सुबह, तब हम होंगे प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस में। वंदे भारत एक्सप्रेस की भी अपडेट आपको दिखाएंगे और जर्नी दिखाएंगे बहुत जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना सपोर्ट बना रखिए और जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नमस्कार।